नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग कैंबल बे ग्रेट निकोबार में हैं और हमारे पीछे ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं, ये ऑफिस है असिस्टेंट कमिश्नर कैंबल बे का। असिस्टेंट कमिश्नर कैंबल बे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार आइलैंड के, और पूरा लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्हीं के अंडर आता है और काफ़ी अहम ऑफिस है। सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहीं से कंट्रोल किया जाता है। पिछले न्यूज़ स्टोरी में हमने आपको बताया था कि बम्बू फ्लैट पुलिस ने होप टाउन जट्टी के नज़दीक रेड मार के आतिश कुमार से 1295 ग्राम्स हेरोइन जो है वो सीज़ किया था, और उस केस के तार किसी ना किसी तरीके से कैंबल बे से जुड़ते हुए दिख रहे थे। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के एक स्टाफ जो पहले यहाँ पर पोस्टेड था, अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया उसका, वो एक LGC था और उसका तार इस केस से जुड़ रहा था जो बम्बू फ्लैट में ड्रग सीजर हुआ था। अभी हम आपको बता दें, अब और एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का स्टाफ का, यानी कि इसी ऑफिस का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कैंबल बे का और एक स्टाफ का तार भी इस केस से जो है वो जुड़ चुका है और उसको पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया है। ये स्टाफ जो है एक परमानेंट स्टाफ नहीं था, लेकिन इसको 1/30th पे जो है वो ग्रांट कर दिया गया था और इसी ऑफिस में वो स्टाफ जो है वो काम करता था। तो अब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के दो स्टाफ जो है वो इस केस में इन्वॉल्व दिख रहे हैं। हमने आपको बताया था और हमने ये एप्रिहेंशन एक्सप्रेस किया था कि कैंबल बे में 15 मई 2024 को जो अनक्लेम्ड हेरोइन बीच क्वेरी बीच से पुलिस ने बरामद किया था, शायद बम्बू फ्लैट में जो हेरोइन बरामद हुआ है शायद वो उसी स्टैश का एक पार्ट हो। हमने ये अप्रिहेंशन आपको जो है आपके सामने एक्सप्रेस किया था, और अभी कहीं ना कहीं जो हमारा एप्रिहेंशन है वो एक तरीके से हमको सही होते हुए दिख रहा है। सही होते हुए इसलिए दिख रहा है क्योंकि कैंबल बे में अब लॉ एनफोर्समेंट जो है काफ़ी एक्टिव हो गया है। काफ़ी एक्टिव होने के साथ साथ कैंबल बे से जुड़े लोगों का काफ़ी ज़्यादा अब अरेस्ट भी शुरू हो गया है। काफ़ी लोग कैंबल बे से जुड़े हुए जो है वो अब अरेस्ट हो रहे हैं। हम आपको बता दें, कैंबल बे के कुछ लोकल्स को भी यहाँ से अरेस्ट करके पोर्ट ब्लेयर जो है लेकर जाया गया है, ऐसा जो है हमको सोर्सेस ने बताया है। जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में हमने आपको अभी जो बताया, जो स्टाफ था LGC नहीं, जो दूसरा स्टाफ था जो इस केस में इन्वॉल्व था, उसको भी यहाँ से जो है पुलिस पोर्ट ब्लेयर ले गया है, और साथ ही साथ कैंबल बे के दो लोकल्स जो कि RPRS कॉलोनी के हैं और दोनों भाई हैं, उनको भी जो है ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उनमें से एक का हमको कन्फर्म है कि उनको पोर्ट ब्लेयर जो है लेकर जाया गया है, लेकिन और एक जो भाई है वो कंफर्म नहीं है कि अभी उनको पोर्ट ब्लेयर लेकर गया जाया गया है कि वो उनको कैंबल बे में ही अभी पुलिस स्टेशन में रखा गया है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों का अरेस्ट जो है अब कैंबल बे में भी इस केस को लेकर जो है शुरू हो गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस केस में कैंबल बे से जुड़े दो एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ का भी नाम आ रहा है, और ये दोनों स्टाफ यहीं पर पोस्टेड थे कैंबल बे में, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कैंबल बे उसी में पोस्टेड थे। उनमें से एक जो है वो अकाउंटेंट था और एक स्टाफ जो है टीचर था, और दोनों का तार भी इस ड्रग्स केस से किसी ना किसी तरीके से जो है जुड़ा है, और इनका कनेक्शन भी इस ड्रग्स केस में सामने आ रहा है, ऐसा सोर्सेस का कहना है। अभी हम आपको कन्फर्म नहीं बता सकते, लेकिन सोर्सेस का ये कहना है कि उनमें से जो टीचर था वो अरेस्ट हो गया है, और जो दूसरा अकाउंटेंट था, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि वो अकाउंटेंट भी अरेस्ट हो गया है। लेकिन अभी हम आपको उस अकाउंटेंट के अरेस्ट होने का पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जो है किसी रिलायबल सोर्स से इसको क्रॉस चेक करने का जो है मौका नहीं मिला। हमने ट्राई किया, लेकिन कोई भी रिलायबल सोर्स इसमें ऑफिशियली अभी कमेंट करने के लिए या कमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हम आपको बता दें कि टीचर्स और स्कूल में काम करने वाले स्टाफ, ये आप जानते हैं कि कितने करीब होते हैं बच्चों से। अगर इस तरह के स्टाफ ड्रग्स के मामले में लिप्त पाए जाए, ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व पाए जाए, तो कितना बड़ा रिस्क है हम लोगों के बच्चों के लिए। कैंबल बे के स्कूल में वो लोग पोस्टेड थे, वहाँ पे जो है हमारे कैंबल बे के लोकल बच्चे पढ़ते हैं, वो कितने रिस्क में थे इन स्टाफ के जो है गाइडेंस में, यार ये स्टाफ वहाँ पर थे तो वो कितने रिस्क में थे सोचिए बच्चे, क्योंकि ये लोग जो है ड्रग्स में डील करते थे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बच्चों के बीच में रहने वाला स्टाफ जब
ड्रग्स के केस में लिप्त पाया जाए, जब एक टीचर और एक स्कूल का अकाउंटेंट ड्रग्स के केस में लिप्त पाया जाए, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों को सही राह दिखाने का और वो खुद जो है ड्रग्स के केस में लिप्त पाए जाते हैं। तो ये अब तक का न्यूज़ स्टोरी का अपडेट था कि कैंबल बे के काफ़ी लोग जो है इस केस में किसी ना किसी तरह से लिप्त पाए गए हैं। और जो हेरोइन का सीजर हुआ था कैंबल बे में, जो अनक्लेम्ड हेरोइन दिखाया गया था 15 मई 2024 को, उस हेरोइन का किसी ना किसी तरह का बम्बू फ्लैट में जो हेरोइन मिला था उसके साथ कनेक्शन है। शायद वो स्टेम स्टैच का हेरोइन है और शायद कैंबल बे से ही वो हेरोइन ट्रांसपोर्ट करके पोर्टब्लेयर लेके जाया गया और वहाँ पर इसको बेचा जा रहा था। साथ ही साथ अब कैंबल बे के लोग एक सवाल पूछना उन्होंने एक चालू कर दिया है। एक सवाल उनके मन में है जो हम भी पुलिस की अथॉरिटीज से पूछना चाहेंगे। सवाल यह है कि ये जो दो लोकल्स हमने आपको बताया जो आरपीआर कॉलोनी से अरेस्ट हुए थे कैंबल बे से, जिनमें से एक को पोर्टब्लेयर जो है कंफर्म है कि उसको लेकर जाया गया है और एक को पोर्टब्लेयर लेकर जाया गया है कि नहीं वो अभी तक कंफर्म नहीं है, तो ये जो दो लोकल्स अरेस्ट हुए थे कैंबल बे के लोगों ने ये बात तब भी सुना था जब ये हेरोइन अनक्लेम्ड हेरोइन जब मिला था बिगवेरी बीच में, तब भी इन लोगों को पुलिस ने जो है पूछताछ के लिए पुलिस इनको लेकर गया था थाना, लेकिन इनके ऊपर तब किसी तरह का केस नहीं चलाया गया, इनको जो है उसके बाद फ्री छोड़ दिया गया। और काफ़ी लोगों का कहना है कि इन्होंने ही वो हेरोइन जो है छुपाया था, जब इनको जहाँ से भी हेरोइन मिला, आप कहाँ से हेरोइन मिला क्या मिला ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जब हमको जानकारी मिलेगा हम आपको देंगे जो अनक्लेम्ड हेरोइन बिक्वेरी में मिला वो कहाँ से इनको मिला था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ही वो हेरोइन को छुपा के रखा था। और पुलिस जब एक चोरी के केस में जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उनके आसपास कहीं पहुंची, तो किसी तरह से पुलिस को उन्होंने ये बात बता दिया कि उन्होंने जो है ये हेरोइन छुपा के रखा था या उनके पास ये हेरोइन है या यहाँ पे हेरोइन है, उन्होंने पुलिस को बता दिया। और पुलिस ने फिर जो है उस हेरोइन को सीज करके एक अनक्लेम्ड वाला केस बना दिया, यानी कि अननोन पर्सन के खिलाफ केस बना दिया और इनके खिलाफ जो है वो थोरा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और इनको जो है थॉरली जो है चेक भी नहीं किया और ना इनके ऊपर कोई केस बनाया। लेकिन अभी जब ये मामला तूर पकड़ रहा है तब उनको अरेस्ट करके यहाँ से लेके गया। तो ये सवाल जो है कैंबल बे पुलिस के ऊपर अब उठना शुरू हो गया कि पुलिस ने उस वक्त जब पता चला था कि इन्होंने हेरोइन छुपाया था या इन्होंने हेरोइन का पता बताया था या इन्होंने इनके पास से हेरोइन मिला था, जो भी सिनेरियो था, तब इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया और तब इनको क्यों कैंबल बे पुलिस ने तब इनको बचा लिया। अगर तब इनको अरेस्ट किया जाता तो तभी से अलग अलग परते इस केस के खुलना शुरू हो जाता और कैंबल बे में जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे थे जो है वो डिस्करेज हो जाते और उनको पुलिस जो है पकड़ लेती। और जो भी डैमेज इस पीरियड में हुआ है 15 मई 2024 और अभी के पीरियड के बीच में जो भी डैमेज हुआ है यहाँ के लोगों को, अगर हेरोइन कैंबल बे के मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये हम कह नहीं सकते कि इजीली अवेलेबल है, लेकिन कैंबल बे के लोग जो है हेरोइन का नशा भी कर रहे थे, ये हम आपको कंफर्म बता सकते हैं कि आप भी अवेलेबल है कि नहीं पता है, लेकिन ये जो पीरियड के बीच में अगर कोई भी डैमेज यहाँ के लोगों को हुआ है इस ड्रग्स की वजह से, उसको अवॉइड किया जा सकता था अगर इनको उसी टाइम इनका इन्वेस्टिगेशन अच्छा से किया जाता और इनसे सब बात जो है उगलवाया जाता और इन सब चीज़ों को रोका जाता। तो एक काफ़ी सीरियस एक एलिगेशन है, एक तरह का क्वेश्चन है कैंबल बे पुलिस के ऊपर कि तब इनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया और अब जब ये मामला तूर पकड़ा था तब क्यों उनको जो है अरेस्ट कर पोर्टब्लेयर लेके जाया गया। इसका मतलब किसी ना किसी तरह का कनेक्शन उनका था उस टाइम। और ये बम्बू फ्लैट में जब ड्रग्स नहीं मिला था उससे पहले से मेरे को पता था इनका किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन जो है उस ड्रग सीजर के साथ है, क्योंकि हमारे सोर्सेस तब भी हमको बता रहे थे। तो कैंबल बे पुलिस को बात ये डेफिनेटली पता था उस टाइम भी और इनको ये भी बताया जा रहा है कि थाना भी लेके जाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए तब, लेकिन ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया गया, इनको छोड़ भी दिया गया और उस अननोन पर्सन के खिलाफ केस एक दर्ज कर दिया गया हेरोइन की बरामदगी करने के बाद, 16 किलो के हेरोइन की बरामदगी करने के बाद बिगवेरी बीच से। तो ये काफ़ी सीरियस मामला है। इस केस में दिन ब दिन नए जो है खुलासे होते जा रहे हैं, काफ़ी लोग जो है अरेस्ट भी हो रहे हैं और काफ़ी सीरियस केस है कैंबल बे से। ये हम लोग को अभी भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि कोई भी प्रेस रिलीज पुलिस ने दिया नहीं, किसी भी तरह कम्युनिकेशन पुलिस की तरफ से हमको आया नहीं है, लेकिन सोर्सेस हमारे यही बता रहे हैं कि जो हेरोइन वहाँ पे सीज हुआ था उसका कैंबल बे के साथ गहरा कनेक्शन था, कैंबल बे से ही शायद वो हेरोइन गया था। तो काफ़ी सीरियस बात है
और एक क्वेश्चन हम अथॉरिटी से करना चाहेंगे कि कब तक इस तरह के ड्रग्स हमारे शोर्स में बह के आते रहेंगे। क्या ये प्रैक्टिकल लगता है, क्या ये पॉसिबल लगता है आपको कि करोड़ों के ड्रग्स बहकर ऐसे ही हमारे आइलैंड्स में आ जाते हैं? क्यों आते हैं ड्रग्स बहकर, इतने जब इतना वैल्यू है उन ड्रग्स का? जब यहाँ पर ड्रग्स का सीजर हुआ था 16 किलो के आसपास, तब बताया जाता लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स है। तो जब इतना कॉस्टली ड्रग्स है तो कोई उनको ऐसे ही बहने क्यों दे देता है? क्यों वो ड्रग्स यहाँ पर बह के आते हैं? क्या जस्टिफिकेशन है इसके फेवर में कि ये ड्रग्स यहाँ पर बह के आ रहे हैं? ये काफ़ी गहरा सवाल है, क्योंकि इतने करोड़ों का ड्रग्स बह के आ जाना, क्योंकि हाल फिलहाल में हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता चला है कि कैम्बल बे ग्रेट निकोबार के अराउंड या अंडमान निकोबार के अराउंड किसी भी तरह का पोचर का कोई बोट डूब गया हो, या किसी भी तरह का कोई बोट डूब गया हो जिससे ये सब इल्लीगल सामान वहाँ से बह के यहाँ पर आ गया हो, ऐसा भी कोई खबर नहीं है। जब कार्निक और हडबे में मेथामफेटामाइन बह के आया था, तब रीज़न था कि वहाँ पे बोट स्पॉट किया गया था, बोट में मेथामफेटामाइन था, उस बोट को सोर्स बताया जा रहा था मेथामफेटामाइन का, जो बह के आया था कार्निक में। लेकिन कैम्बल बे में इस तरह का कोई भी बोट का कभी खबर तो हमारे सामने आया नहीं है। तो फिर कैसे ये ड्रग्स जो है बह के आ जा रहा है कैम्बल बे में? काफ़ी सीरियस ये एक बात है, और इसमें कहीं ना कहीं ये बात हज़म करना कैम्बल बे के लोगों के लिए और पूरे अंडमान निकोबार के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि इस तरह के करोड़ों के ड्रग्स बह के आ जा रहे हैं हमारे शोर्स में। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और क्या सोर्स है इन ड्रग्स का, कैसे ये आ जा रहे हैं, क्यों करोड़ों के ड्रग्स जो है ग्रेट निकोबार जैसे एक आइलैंड में जहाँ पे 8,000 का पॉपुलेशन है, 50 करोड़ का ड्रग्स वहाँ पे क्यों मिल रहा है? 8,000 का पॉपुलेशन में 50 करोड़ का ड्रग्स यहाँ पर क्यों मिल रहा है? इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। सेंस भी इसीलिए नहीं बनता क्योंकि कमर्शियली किसी के लिए भी 50 करोड़ का ड्रग्स 8,000 के पॉपुलेशन के बीच में बेचना पॉसिबल तो है नहीं। तो क्यों ये ड्रग्स यहाँ पर बह के जो है आ जा रहा है? क्या ये इस तरह के रिमोट आइलैंड्स को इन ड्रग्स का स्टोरेज पॉइंट बनाया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल जो शिपिंग लेन्स है वो हमारे काफ़ी करीब है? क्या इन ड्रग्स को यहाँ पर स्टोर करके रखा जा रहा है? और क्या इस तरह के क्रिमिनल्स यहाँ पर पैदा हो गए हैं? क्या इस तरह के क्रिमिनल्स ने कैम्बल बे के ऊपर, ग्रेट निकोबार के ऊपर अपना जो गंदा नज़र है वो डाल दिया है? और क्या इस आइलैंड को इन ड्रग्स के लिए स्टोरेज पॉइंट्स बनाया जा रहा है? और क्या ये ड्रग्स को यहाँ पर पहले स्टोर करके फिर इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स में लेकर जाकर शिप में जो है दे दिया जाता है? क्या ऐसा हो रहा है? ये सब सवाल हैं, काफ़ी सवाल हैं। इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इस पूरे मेनेंस को जो है एंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे कैम्बल बे के लोग भी इससे अफेक्टेड है ड्रग्स से, साथ ही साथ पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लोग अफेक्टेड हैं। हाल ही में कितने सारे ड्रग्स का सीजर अंडमान निकोबार पुलिस ने किया है, डिगलीपुर से किया है, बिलीग्राउंड से किया है, रंगत से किया है, कदमतला से किया है, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में किया है, हैवलॉक में किया है, बम्बू फ्लैट में भी हुआ है। कितने सारे ड्रग्स के सीजर्स हाल ही में अंडमान निकोबार पुलिस ने करे हैं, इससे पता चलता है कि ड्रग्स का प्रॉब्लम कितना ग्रेव है, कितना प्रॉब्लमेटिक हो गया है ड्रग्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए थॉरो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इन सब सवालों का भी जवाब देना चाहिए कि ड्रग्स क्यों बह के लगातार अंडमान निकोबार के अलग अलग आइलैंड्स में आ रहे हैं, खास करके ग्रेट निकोबार आइलैंड में। कैसे ये हेरोइन बह के आया, क्या सोर्स था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये हेरोइन, ये सब चीज़ें जो है चेक करना आप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद।